बड़ी गंभीर बात श्री रैदास जी महाराज यहां पर कहते हैं, कहे कथा और अर्थ विचारे, कहे कथा और अर्थ विचारे, आप तरे और को तारे, आप तरे और को तारे, कहरदास मिले हरिदासा, कहरदास मिले दिया, बड़ी बड़ी सहज सरल वाणी में कि कहें कथा और अर्थ विचारें, कि कथा में कहीं ना कहीं कुछ मर्म छिपा है। कई बार मैंने व्यासपीठ से निवेदन किया, जो कथा शब्द है ये प्रकट हुआ कहां से? कथम से। कथा शब्द का उद्भव हुआ है कथम से, और कथम का अर्थ होता है क्यों। तो कथा का अर्थ ये नहीं होता कि क्या हुआ था, कथा का अर्थ होता है कि जो हुआ था वो क्यों हुआ था। तो रैदास जी महाराज कह रहे, कहें कथा और अर्थ विचारें, आप तरे और को तारे, आप तरे और को तारे। तो मन से सत्संग करने की विधि है संत के सिद्धांत का, संत के विचार का, गुरुजनों के शब्दों का बैठकर चिंतन करिए। तन से सत्संग करने की विधि है कि जब कभी अवसर मिले, जब कभी भगवान अनुकूल हो जाए आप पर, किसी संत के आभा मंडल में बैठने का अवसर मिल जाए। और एक बात मैं आपको यहां और स्पष्ट कर दूं कि संत बोले तो सुनना, संत बोले तो सुनना, संत मौन रहे तो ध्यान लगाकर सुनना, तब भी कुछ सुनाई पड़ता है। संत बोले तो कान लगाकर सुनना, और संत मौन बैठा हो तो ध्यान लगाकर सुनना, वो अपने मौन से भी बहुत कुछ कहता है। वेखीनी वेखी अड़िए अंदर बोले कौन, बार जनानो लब दिए निकते ओही सजना, बार जनानो लब दिए किते ओही सजना। और मैं तो देखता हूं अगर संत की बात सुनो, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, बड़ा भारी रोग होता है, रोग तन का होता है, मन भी बीमार पड़ जाता है, शिथिल पड़ जाता है, नकारात्मकता आ जाती है मन में। तो एक एक चिकित्सक तो ऐसा होता है, वो कहता है कि बस अब तो आप मरने ही वाले थे। वो कहता है रोगी को देखकर, अरे अच्छा हुआ मेरे पास आ गए, बस नहीं तो मरने ही वाले थे आप। और एक चिकित्सक कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं। तो आधा रोगी तो भला चंगा हो जाता है केवल वैद्य की बात सुन के, यदि उसके शब्दों में एक सकारात्मकता हो। ऐसे ही जन्म जन्म का रोग लगा है मन को, लेकिन जब गुरु चरणों में जाता है जीव, तो गुरु अंदर हाथ सहारा दे, उसके शब्द, उसका विचार, उसकी कृपा भरी दृष्टि, उसकी दया मेहर भरी नजर वो जीव को आश्रय देती है। इसलिए संत की बात सुनो तो मार्ग बड़ा ही सीधा लगता है।